हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, और मैं हूं खुशाल जैन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 9 सेकेंड यूनिट टेस्ट का हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर, जो कि एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि हमको आज प्रैक्टिस करना है और हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस पेपर में बढ़ने से पहले, इस पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 9 स्टैंडर्ड के मैथ्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स, वन शॉट IMPs, ये सारे हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। तो आप प्लीज जाइए, देखिए और आपके सजेशन जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टैंडर्ड 9 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। सो हियर इट इज गिवन फॉर अ मार्क्स 20 एंड फॉर 1 आवर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि आपको पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, ईच फॉर 1 मार्क्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी लिक्वेयर मूवमेंट स्टार्टेड इन। इसके ऊपर आपको एक राइट शॉर्ट नोट या फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंटी लिक्वेयर मूवमेंट के बारे में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंटी लिक्वेयर मूवमेंट क्या है। एंटी लिक्वेयर, अब लिक्वेयर का मतलब आपको पता है कि शराब या फिर नशेली चीजें जिसको हम बोलते हैं, उसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। और वो कहां पर हुई? महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइए और इसका, इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। और इसका आंसर है द एंटी लिक्वेयर मूवमेंट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 1 मार्क अगेन। अ कंप्लीटली इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर कॉल्ड ध्रुवा वॉज स्टार्टेड एट। ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या क्या वो ट्रॉम्बे है, पोखरण है, थुम्बा है या श्री हरि कोठा है। इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 का बी, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। अब इस चार्ट को हमको प्रिपेयर करना है, मिसाइल्स मेड बाय इंडिया। इंडिया ने कौन कौन सी मिसाइल्स बनाई थी? 4 मिसाइल्स के नाम यहाँ पे हमको लिखने हैं। ये आपको खुद से ढूंढना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी आंसर्स है। और कमेंट में आपको बताना है कि इसके आंसर्स क्या है। ओके, सो नेक्स्ट इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है 25 to 30 words, है ना। और ये 4 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछे, यानी ईच फॉर 2 मार्क्स, यानी हर एक का कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स, राइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट अबाउट द एंटी लिक्वेयर मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंटी लिक्वेयर मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि सोसाइटी और समाज के नजरिए से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटी लिक्वेयर मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। बहुत से आपको आंसर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पे नहीं मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल पे मिलने वाला है। और एंटी लिक्वेयर मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे कि एंटी लिक्वेयर मूवमेंट क्या है। तो एंटी लिक्वेयर मूवमेंट, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि लिक्वेयर मीन्स शराब और एंटी मीन्स उसके खिलाफ, यानी कि बहुत से घरों में ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि जिन घरों के जो हेड होते थे, यानी जो मेल्स होते थे, जो कमाते थे, जो घर खर्चा चलाते थे, ऐसे लोगों को आंध्र प्रदेश, सिर्फ ये बात आंध्र प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की है, या कह सकते हैं तो पूरे वर्ल्ड में भी यही हालत है। तो ऐसे जगहों पे क्या होता था कि जब इनको शराब की लत लग जाती थी, तो ये शराब कंज्यूम करते 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 इनको, इनके पास पैसे नहीं बचते थे, और इसके लिए ये फिर घर की चीजें बेचना स्टार्ट कर देते थे। और एक ऐसा समय आता था जब घर पूरा खाली हो जाता था, फिर ये पैसों के लिए गलत काम करना चालू करते थे, चोरी चकारी, इनसे एक शराब इनका पूरा परिवार बर्बाद कर देता था। जिससे परेशान होके आंध्र प्रदेश की कुछ महिलाओं ने क्या किया, वो हम इस आंसर में देखते हैं। और आपसे एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो सारे आंसर्स हैं, हमने इन आंसर्स के लिए कोई डाइजेस्ट, कोई रिलायबल या कुछ भी प्रेफर नहीं किया है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक गिवन बाय द महाराष्ट्र बोर्ड। सो दीज आंसर आर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके, सो एंटी लिक्वेयर मूवमेंट ये आपकी बुक में दिया गया है, इसमें क्या बताया, देखिए, In 1992 में, what happened? In 1992,
इन आंध्र प्रदेश अ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, यानी जो लोग शराब पीते थे उनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की गई. अब क्या हुआ कि इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स टू, यानी कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये बात सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, इसलिए इस मूवमेंट को दूसरे स्टेट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. When the head of the household dies and ultimately death due to the addiction of alcohol, the family faces a serious crisis which affect women the most. Due to the alcoholism, they have to deal with extreme sorrow and poverty. This movement got the support of the anti-arak movement in Andhra Pradesh. अब देखिए, आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि why anti liquor movement started? So वहां पे भी आप ये आंसर लगा सकते हैं. राइट अबाउट द एंटी लिक्वर मूवमेंट के बारे में भी आप ये आंसर लगा सकते हैं. बुक में एक बड़ा पैराग्राफ गिवन है जिसमें और भी डिटेल अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है. राइट अबाउट बोला है तो आप उसके बारे में जो आपको जानकारी वो लिख सकते हैं. व्हाई इट इज स्टार्टेड में बोला है तो आप ये लिख सकते हैं. इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया है ताकि दोनों क्वेश्चन के आंसर आप एक ही आंसर से दे सको. आई होप आपको समझ में आया होगा. फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए का फर्स्ट, राइट अबाउट द एंटी लिक्वेर मूवमेंट. फॉर द 2 मार्क्स दिस आंसर वॉज देयर. नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अबाउट द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट. यहाँ पे ये गलती से एम हो गया है क्वेश्चन सेट में, इट इज एन. राइट अबाउट द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट. ओके, तो अब जानते हैं पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट क्या है. पोखरण राजस्थान की एक जगह है जहां पर हमारी जिन्हें हम आयरन लेडी कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में और इसके बाद श्रीमान अटल बिहारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 2 दफा हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दोनों दफा वह एकदम ही सफल या फिर सक्सेसफुल रहा हमारा न्यूक्लियर टेस्ट. जब हमने पहला इंदिरा गांधी जी के समय में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब हमने बताया था कि हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ बिजली बनाने के लिए, हमने अपने आप को न्यूक्लियर पावर में मतलब बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हमने की है फॉर द गुड पर्पजेस लाइक लाइट बनाना एंड ऑल दिस थिंग्स. बट जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जब हम लोगों ने 84 में भी, उस समय में जब हम लोगों ने अगेन 94 सॉरी, तो उस समय में जब हम लोगों ने पोखरण में वापस न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस समय इंडिया ने यह डिक्लेयर किया कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं. तो इसका अमेरिका ने जो हम पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसके बाद, एक्चुअली में इसका मेन रीजन ये था कि चाइना एंड पाकिस्तान वॉज गेनिंग देयर न्यूक्लियर पावर और हम जो है इस रेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट सकते थे, इसलिए हमको न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था. और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त ये पूरे वर्ल्ड को एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत कभी भी किसी पे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, यानी कि हम लोग कभी किसी पे न्यूक्लियर अटैक आगे से नहीं करेंगे. ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो हमने अपने सेफ्टी डिफेंस पर्पस के लिए बनाया है. तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका रीजन नहीं पूछा गया है आपसे, इसमें रीजन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड. तो उस वक्त आपको रीजन लिखना पड़ेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसी पैराग्राफ के नीचे कि चाइना एंड पाकिस्तान वॉज गेनिंग देयर पावर, वो वाला रीजन आपको लिखना पड़ेगा. पर जब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है राइट अबाउट द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, तो हम पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें क्या दे रहे हैं कि इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974 इन कॉन्सोनेंसेस विद द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पस. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हम जो है वो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में फॉर द 2 मार्क्स हम इतना लिख सकते हैं. सो विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का बी. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजन. अब इसको हमको रीजन देना है यहाँ पे 25 to 30 words के लिए. अगेन 2 questions आर देयर ईच फॉर 2 मार्क्स. ओके, 4 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया, 2 question और ईच फॉर 2 मार्क्स. तो पहला क्वेश्चन है कि हमको रीजन बताना है कि वाई पंडित नेहरू एस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन. ओके, तो हमको बताना है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्यों एस्टेब्लिश की गई थी. तो इसमें आंसर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू वॉन्टेड टू नर्चर अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ब्रिंग अबाउट द नेशंस प्रोग्रेस. फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव ही सेट अप द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑन 10 अगस्त 1948 एंड डॉक्टर होमी भाभा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन. एज आई सेड कि ये आंसर्स आपके बुक से प्रेफर किए गए हैं, तो आपको 100% श्योर ये करेक्ट आंसर है. तो आपको चेयरमैन ऑफ द कमीशन तक ये आंसर लिखना है.
फर्स्ट लाइन से फॉर द 2 मार्क्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1984। अब हम जानते हैं कि डाउरी क्या होता है, दहेज प्रथा क्या होती है। अब इसमें बहुत से लोगों की बहुत अलग अलग कहानियां हैं या फिर उनकी विचारधारा है, माइंडसेट है, पर हमारे देश के कुछ क्षेत्र में ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसके वजह से लोगों को अपनी जमीनें बेच देनी पड़ती है, लोगों को आत्महत्या कर लेनी पड़ती है। यानी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट समस्या है, कितनी भयंकर समस्या है, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। दहेज प्रथा क्या होता है, तो जब किसी लड़की की शादी की जाती है तो शादी के वक्त लड़की का पिता बहुत सारा सामान जो है वो लड़की को गिफ्ट देता है। अब इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छे कारणों से की गई थी कि जब हमारी लड़की अपनी बेटी किसी के साथ अपना नया घर संसार चला रही है तो उसको कुछ जरूरत के सामान, जैसे कि उस समय लगने वाली चीज, जैसे कि पलंग हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट गहने हो गए, और आज के समय में देखें तो फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, जिस पिता की जितनी यथाशक्ति जो जितना दे सकता है अगर उसकी इच्छा है तो वो उतना दहेज उसको दे ताकि लड़की को अपना नया संसार या नया घर बसाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, विद अ गुड पर्पज। ये बहुत ही अच्छा पर्पज के साथ चालू किया गया एक रस्म या रिवाज था, दैट इज दहेज या फिर डाउरी। लेकिन अच्छी चीजों को किस तरह से एक भयानक रूप, बाद में लोगों ने इसको किस तरह से इस अच्छी चीज ने एक भयानक रूप ले लिया, जिसने हजारों बेटियों के पिता को ये डाउरी जो है वो खा गई, हजारों लड़कियों की जान इस डाउरी ने ले ली। क्यों ले ली? तो ये जो प्रथा थी जिसमें लड़की के पिता अपनी खुशी से चीजें देते थे, अब इसकी हैवानियत इतनी बढ़ गई कि लड़के खुद से मांगने लगे, हमें फ्रिज चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ही हम आपकी लड़की से शादी करेंगे। अरे पर उन्हें इतनी सी भी समझ नहीं कि जो पिता बचपन से जिसको पाला, जिसको छोटे से बड़ा किया, ऐसे अपने कलेजे की टुकड़े को यानी अपने बेटी को आपको सौंप रहा है, उसके अलावा आपको और क्या भीख में चाहिए? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। ये बहुत ही बुरी बात मुझे लगती है कि ऐसे लोग दहेज मांगते हैं जिनमें खुद कमाने की क्षमता नहीं होती, जो कि आप जिनको पढ़े लिखे भिखारी भी कह सकते हैं, जिनमें खुद कमाने की, अर्जित करने की क्षमता नहीं होती, वो लड़की के पिता से भीख मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, जिसमें वो गाड़ियां मांगते हैं, फ्रिज मांगते हैं। इतनी जो व्यक्ति अपनी बेटी, अपने खजाने से भी ज्यादा कीमती बेटी आपको सौंप रहा है, उसमें जिन लोगों का पेट नहीं भरता और ऐसे लोग आपसे गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी महंगी महंगी चीजें मांगते हैं, ऐसे भिखारियों को अपनी लड़की देने से तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि वो आपके घर में रहे तो वो ज्यादा खुश रहेगी। ओके, तो ये डाउरी एक्ट गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। कितनी शर्म की बात है ये कि उसके लिए कानून बनाना पड़ा कि दहेज जो है ये बंद होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमें खुद समझ में आनी चाहिए, उसके बावजूद जब गवर्नमेंट इस पे एक्ट बनाती है तो ये समाज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। हम देखते हैं कि डाउरी एक्ट क्या था। द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1984। अब 1984 में क्या इनेक्ट किया गया देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द एंटी डाउरी लॉ, इन इंसिडेंट्स लाइक वुमेन बर्न्स टू डेथ एज अ सारी पल्लू कैचेस फायर व्हाइल कुकिंग एंड वुमेन स्लिप्स इनटू अ वेल व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स ड्राउन एंड डाई इज कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड। यानी कि 1984 से पहले एंटी डाउरी एक्ट बन चुका था, यानी कि दहेज लेना ये गुना है, ये एक्ट 1984 से पहले बन चुका था। फिर भी अब ससुराल वाले लड़की पे किस तरह से प्रेशर बनाते थे, वह क्या करते थे, उसे मारते थे, उसे जला देते थे, उसे खाना नहीं देते थे, घर में बंद करके रखते थे, ताकि वो अपने, उसे फोर्स करते थे ताकि वो अपने पिता को ऊपर प्रेशर बना सके कि आप क्या करें, हमें भीख दे, दहेज दे। इस हद तक, इस मानसिकता तक कुछ लोग जो भिखारी प्रवृत्ति के हैं वो लड़कियों को इस हद तक क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। और फिर भी जब बात नहीं बनती थी, क्योंकि लड़की के पिता बहुत समय गांव में, जब बहुत गरीबी देखी, अगर गरीब फैमिली से अगर ये बात है तो ऑब्वियसली वो पिता जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए अब वो लड़की किसी काम की नहीं, जैसे कि वो खिलौना हो तो वो उसे जला देते थे। और जब पुलिस इंक्वायरी वगैरह होती थी तो कहते थे कि काम करते करते गैस में सारी का पल्लू जल गया और पूरी की पूरी औरत जल गई, ये रीजन दे देते थे। कुएं में बर्तन घिसते घिसते पैर स्लिप हो गया, कपड़े घिसते घिसते पैर स्लिप हो गया और कुएं में गिर गई, डूब के मर गई। बल्कि उसके पीछे रीजंस था कि ससुराल वाले इतने हैवान बन जाते थे कि वो उन लड़कियों को सच में मार देते थे और फिर अपने लड़कों की दूसरी शादी करवा के दूसरा मोटा दहेज कमाने का ये सारा एक बिजनेस बन चुका था। ये रिपोर्ट्स
एंटी डाउरी एक्ट बनाने के बाद भी ये इंसिडेंट्स जो है, यानी लड़कियों का जलना डूबना, ये कम नहीं हो रहा था। फिर गवर्नमेंट ने वापस क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवील डाउरी टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सच डेथ्स, कि अभी भी दहेज ही है इन डेथ्स के पीछे। ये लड़कियों की जान कौन ले रहा है? तो दहेज की प्रथा ही ले रही है। द रोल ऑफ द पुलिस, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी वर हाईलाइटेड, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, हमारी न्याय व्यवस्था क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, जब तक ऐसे केस वापस आ रहे हैं। दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस, इससे लोग जागरूक होने लगे। एज द रिजल्ट द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज इन टू फोर्स इन 1984 में इसको इनएक्टेड, फिर से इनएक्ट किया गया। आई होप आपको दहेज प्रथा के बारे में, डाउरी एक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एनी वन करना है आपको। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर द 2 मार्क्स, इसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, Why were family courts established? Family courts क्यों बनाए जाते थे? अब देखिए, courts में क्या होता है कि जब आप कोई क्राइम हो जाता है तो क्रिमिनल्स को वहां पर ले जाके खड़ा किया जाता है ना, बहुत खूंखार आतंकवादी हो या क्रिमिनल्स हो, चोर उचक के मर्डरर हो, तो इन्हीं के साथ क्या होता था कि जब कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी कि समझो दो भाइयों में कोई झगड़ा हो गया या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, माँ बाप के बीच में झगड़ा हो गया, तो जो फैमिली रीजंस थे इनको भी उन्हीं मर्डरर्स या फिर उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ खड़ा रहना पड़ता था अपना वेट करने के लिए। तो ये चीजें कहीं कहीं सही नहीं थी, क्योंकि उनका जो गुनाह था, उनका जो केस था, दैट वॉज डिफरेंट, और फैमिली मैटर्स वॉज डिफरेंट। इसीलिए फैमिली कोर्ट्स बनाए गए जो फैमिली के इश्यूज के लिए, जहाँ पे इन केसेस के बारे में ज्यादा बाहर बातें नहीं होती थी, अंदर ही अंदर जहां तक कोशिश हो सके जज और वकील क्या करते थे, इन मैटर्स को आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि फैमिली जो है वो डिवाइड ना हो। तो इसीलिए फैमिली कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, फैमिली कोर्ट्स इन 1984 में क्या हुआ था, फैमिली कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंस विद इन मैरिज एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एज वेल एज इश्यू सच एज एलिमनी, सिंगल पेरेंटहुड, सेपरेशन, केयर ऑफ चिल्ड्रन, ऑनरशिप, विच इज ऑल रिलेटेड टू द फैमिली सिचुएशन। फैमिली रिलेटेड सारे केस जो है वो कहाँ पे सॉल्व होंगे, फैमिली कोर्ट में। दिस फैमिली कोर्ट्स गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेस एंड एविडेंस एंड टू काउंसलर ओवर लॉयर, इम्फेसिस इज ऑन रिजॉल्विंग इश्यू क्विकली बट जस्टली। क्या इनका मुद्दा रहता था, इनका एम है कि फैमिली के प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द क्या किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके, इसलिए फैमिली कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड। ओके, या तो आप ये क्वेश्चन करिए या फिर आपको पूछा गया राइट अबाउट द कोकण रेलवे। अब ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज में नहीं है, या आपको डू यू नो बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसमें आपको कोकण रेलवे के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आपको लर्न करनी है और लिखनी है। एनी टू है तो आप कौन सा भी एक लिख सकते हैं फॉर द 2 मार्क्स। ओके, सो नाउ वील मूव टुवर्ड द पॉलिटिकल साइंस। हियर वी हैव डन विद आवर हिस्ट्री, और हिस्ट्री का सेकंड पार्ट दैट इज पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको दो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे हुए फॉर 2 मार्क्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज अ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, आप वीडियो को पोस्ट करिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। तो डैश डैश इज अ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, और कौन सा है वो भी आपको कमेंट में बताना है। लेकिन जापान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो यहाँ से आपको पूछा कि कौन सा नहीं है, तो जापान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, वीडियो पॉज करिए आंसर बताइए। तो द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर एट न्यूयॉर्क। कहाँ पर है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो ये आपको एक बार कंफर्म करना है इसका आंसर। फॉर द अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का बी, फॉर द 2 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज नेशंस इज सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। क्या सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ही ये किया जाता है, तो देयर आंसर इज ट्रू, यस। सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली सिलेक्ट्स द सेक्रेटरी जनरल, दैट इज ट्रू। एंड द इंडिया रिफ्यूज टू बी द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नो वी आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू। आई होप आपको समझ में आएगा, दोनों के आंसर ट्रू आएंगे। नाउ फॉर द 2 मार्क्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। एनी वन करना है आपको, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। First question is what is the veto power, and the second is what are the functions of Security Council. अब veto power का explanation मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको खुद को find out करना है veto power क्या होता है। तो मैं आपको quickly review दे देता हूँ कि जो permanent countries होती है, जो permanent members United Nations की, उनके पास एक power है
कि अगर कोई निर्णय लिया गया है, कोई फैसला लिया गया है, उसमें से किसी एक देश को भी अगर वो फैसला मंजूर नहीं है तो वो अपना वीटो पावर यूज करके उसके खिलाफ वोट कर सकता है। अगर समझिए सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट है, सब लोगों ने फैसले को एक्सेप्ट कर लिया पर उसमें से एक कंट्री ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया है और उसने अपना वीटो पावर यूज कर लिया, उसके खिलाफ वोट दे दिया, तो वो फैसला वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा। ये होता है वीटो पावर की ताकत। आपको पता होनी चाहिए वीटो पावर क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक में मिल जाएगा, तो आप ढूंढ के लिख सकते हैं। इट इज वेरी इजी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस क्या क्या है? यहाँ पे 3 फंक्शंस आपको दिए गए हैं बुक में से, एज इट इज आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये फर्स्ट है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रिपेयर द पॉलिसीज फॉर आर्म्स कंट्रोल, टू प्ले अ ज्वाइंट रोल अलॉन्ग विद द जनरल असेंबली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये सब सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहिए, बने रहे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपका नेक्स्ट और क्या डिमांड है, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, जरूर जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच। Thank you.